मम्मी ये बताओ, उम्मीद थी कि अभी भगवान के दर्शन होंगे सुप्रीम कोर्ट के? बहुत दिनों से सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के दर्शन करने हैं हनुमान जी के, पर क्या हुआ, कभी होगा ऐसा समय नहीं आया कि हम लोग यहाँ आके दर्शन कर लें। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, हम लोग चले थे भगवान दृश्यनाथ के दर्शन करने, पर जिस रास्ते से पहले अपन सोचे थे उस रास्ते से नहीं गए, तो अपन जिस दूसरे रास्ते से आए तो भगवान सुप्रीम कोर्ट के दर्शन कराएंगे आपको। ये रही, काफी विशाल मंदिर है। मंदिर के एंट्री पॉइंट किधर है? हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं धड़ेश्वरनाथ, जहाँ पापा के नानी का घर है। कहाँ पापा? पापा के मम्मी के नानी। क्या बात कर रहे हैं? दरअसल दो टोले हैं खजुआ में, जहाँ पे एक एक जगह पापा के नानी घर है और एक जगह पापा के मतलब मेरी दादी के नानी घर, ऐसा। तो आज वहाँ चलेंगे और अपन वहाँ भगवान के दर्शन करेंगे। आज का मौसम इतना सुहाना है कि हम लोग आज विंडो ओपन करके जा रहे हैं, अक्सर विंडो बंद रखते हैं। आज का मौसम काफी अच्छा है, बरसात का जो हल्की हल्की बारिश हो रही है वो वाला मौसम है। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, हम लोग चले थे भगवान दृश्यनाथ के दर्शन करने, पर जिस रास्ते से पहले अपन सोचे थे उस रास्ते से नहीं गए, तो अपन जिस दूसरे रास्ते से आए तो भगवान सुप्रीम कोर्ट के दर्शन कराएंगे आपको। ये खेम सागर सुप्रीम दरबार है। मम्मी ये बताओ, उम्मीद थी कि अभी भगवान के दर्शन होंगे सुप्रीम कोर्ट के? बहुत दिनों से सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के दर्शन करने हैं हनुमान जी के, पर क्या हुआ, कभी होगा ऐसा समय नहीं आया कि हम लोग यहाँ आके दर्शन कर लें, पर प्रभु की इच्छा रही तो हो गए, आ गए भगवान के दर्शन करने। लेकिन आज की आज अपन सोच के चले थे क्या कि दर्शन करेंगे? आज सोच के नहीं चले थे, आज सोच रहे थे कि धड़ेश्वरनाथ जा रहे हैं। हमको ये भी पता नहीं था कि धड़ेश्वरनाथ की गली में सुप्रीम कोर्ट, ये भी पता। जब भगवान बुलाते तो आदमी पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। हेलो दोस्तों, तो हम लोग पहुंच चुके हैं धड़ेश्वरनाथ महाराज के।
धाम। ये राई काफी विशाल मंदिर है। दोस्तों हम डरेश्वरनाथ भगवान का दर्शन करके वहाँ से निकल चुके हैं और अपन अब रीवा के लिए रवाना हुए हैं और अब रीवा जाएंगे अपने घर।